ये हैं हजान भाई, जिन्होंने मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से मऊ आजमगढ़ के बीच में हुए ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल का वीडियो बनाकर हमें भेजा। हजान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। इस वीडियो में कुल मिलाकर 3-4 क्लिपें हैं जो हमें विभिन्न लोगों ने भेजी हैं, उनके फ़ोटो और नाम इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा हम आप लोगों को स्पीड ट्रायल का व्यू भी दिखाएंगे, मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से जब ये ई लोको निकलता है तब दिखाएंगे, मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए ई लोको को दिखाएंगे, सिधारी हॉल से स्पीड ट्रायल का व्यू दिखाएंगे, और जब आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ये ई लोको प्रवेश करता है तो उसका व्यू भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सामने पहली क्लिप रही जब ई लोको मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से आजमगढ़ की दिशा में रवाना हुआ। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात का अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है कि ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल मऊ से आजमगढ़ के बीच में हो गया है तो उन लोगों को भी पता चल जाए। तो वेब 7 से किया जा रहा है ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल मऊ से आजमगढ़ के बीच में, गोंडा का ये लोको है। दूसरा, हम आप लोगों को स्पीड ट्रायल का व्यू मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। सामने देख सकते हैं मऊ की दिशा से लोको आ रहा है और धीमी रफ्तार से आ रहा है, क्योंकि मेन लाइन पर पहले से यहाँ पर कोई डीजल लोको खड़ा हुआ था, इस वजह से ये स्पीड में मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से नहीं गुजरा, जिससे कि सारा मज़ा किरकिरा हो गया। तो सामने देख सकते हैं धीमी रफ्तार से गुजरता हुआ वेब 7 गोंडा शेड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आजमगढ़ की दिशा में। मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को शाहिद भाई ने बनाकर भेजा है। शाहिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए, क्योंकि अगर स्पीड से लोको निकलता तो और भी अच्छा व्यू आता, लेकिन सामने देख सकते हैं डीजल लोको मेन लाइन पर खड़ा हुआ है। तीसरा जो व्यू है वो सिधारी हॉल्ट से राजू यादव भाई ने भेजा है, ये सामने है राजू यादव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा स्पीड ट्रायल का व्यू भेजने के लिए हमें। तो सामने देख सकते हैं मऊ की दिशा से तेज़ रफ्तार में, लगभग 90-95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ई लोको गुजर रहा है। सिधारी हॉल्ट के पास से हम ये आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं, तो तेज़ रफ्तार से गुजरता हुआ, तो सबसे तेज़ रफ्तार से यही लोको निकला है, कम से कम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी इसकी। और चौथा जो हम आप लोगों को व्यू दिखाएंगे वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब ये ई लोको प्रवेश कर रही थी तब इस वीडियो को गौतम भाई ने बनाकर भेजा था, ये सामने है गौतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने भी हमें कई सारे ढेर सारे वीडियो कई जगह के भेजे, थैंक यू सो मच। तो सामने देख सकते हैं मऊ की दिशा से ई लोको पहली बार वेब 7 आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच रहा है, तो एक ऐतिहासिक दिन मऊ से आजमगढ़ के बीच में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज तक कभी कोई भी ई लोको चलता हुआ मऊ से आजमगढ़ के बीच में नहीं गया, ये पहला ई लोको है जो चलता हुआ मऊ से आजमगढ़ के बीच में आया है, तो एक ऐतिहासिक पल आजमगढ़ के निवासियों के लिए भी, ख़ास तौर से आजमगढ़ और मऊ के बीच जितने लोग रहते हैं उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी भाइयों का। तो इस तरह से आज ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल तो हो गया, और अब 14 अगस्त 2021 को CRS स्पीड ट्रायल इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा किया जाएगा मऊ से आजमगढ़ के बीच में। अंत में एक और ये क्लिप है जो शिवम भाई ने बनाकर भेजी है हमें, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, शिवम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं मऊ की दिशा से ई लोको आ रहा है वेब 7 गोंडा लोको का, गोंडा शेड का मेन लाइन पर। मऊ शाहगंज रोड पर जिस कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है वो TBEA एनर्जी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उन्हीं के द्वारा ये सब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मऊ से आजमगढ़ के बीच में कंप्लीट हुआ है, और अब जो बारी है वो आजमगढ़ से शाहगंज के बीच में। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ वेब 7 के द्वारा ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल कराया गया, तो एक तरह से ऐतिहासिक पल आजमगढ़ के निवासियों के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
ये सूचना पहुंच जाए कि ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल मऊ से आजमगढ़ के बीच में हो गया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।